नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स के बारे में। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए कोई रिटर्न्स नहीं बने हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे काफी ज्यादा भरोसा रहता है लोगों का। और मेरे हिसाब से तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स आगे चल के भी रूल करेंगे। अभी ये जो यूरोप और आपका यूएस में बीएफएसआई में प्रॉब्लम चली रही है, इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, वहां पे बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है इस समय। तो वो एक अच्छा खासा और बड़ा रेवेन्यू सोर्स है हमारी भारत की आईटी कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पज से एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप, जहां पे आपको मौका मिल रहा है खरीदने के लिए। देखिए, हमेशा एक टेम्पररी रीजन जो होता है ना गिरावट का, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और ये परमानेंट नहीं है। आपको भी पता है बैंकिंग क्राइसिस लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, 1 महीने मैक्सिमम और उससे भी कम। अभी ऑलमोस्ट अभी पिछले कुछ दिनों से तो कोई केस भी नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से तो लेने के मौके हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो काफी अच्छे संकेत आ रहे हैं अमेरिका के बाजार से। अब क्या संकेत है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में समझते हैं। बट ये 50-50 है अभी। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे भारतीय बाजार आज बंद है। अगर आज भारतीय मार्केट्स ओपन होते तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा होता आपको आईटी स्टॉक्स में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि कल आपने नैस्डेक में एक शानदार बढ़िया तेजी आते हुए दिखी है। अगर नैस्डेक इंडेक्स की बात करें तो कल 1.5% से ऊपर कहीं ना कहीं गई है और अभी भी 21 पॉइंट्स पॉजिटिव ही है नैस्डेक फ्यूचर्स। तो ये एक ऐसे संकेत है जो आपको दर्शा रहे हैं कि आईटी के लिए अच्छा मूव रहता आज। लेकिन हमारे भारतीय बाजार आज कहीं ना कहीं आज नवमी के कारण बंद है, तो कल खुलेंगे। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन होगा अमेरिका में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज नैस्डेक इंडेक्स ऊपर जाता है तो डेफिनेटली कल बढ़िया मूव आ सकता है। अभी तक तो ऐसा दिख रहा है कि अच्छा मूव रह सकता है क्योंकि कल नैस्डेक इंडेक्स में बढ़िया तेजी देखी आपने, नैस्डेक फ्यूचर अभी अच्छा और पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। बात करें अगर कल के सेशन की अमेरिका के बाजार की तो बेहतरीन शानदार तेजी थी। लगभग डाउ जोन्स में आपने 1% की तेजी देखी 323 पॉइंट्स की। नैस्डेक इंडेक्स 1.8% की रैली देता हुआ दिखा है, 210 पॉइंट की तूफानी तेजी थी। S&P 500 1.5% ऊपर था, रसेल 2000 में 1% की तेजी थी। विक्स दिन के दौरान 4% नीचे था, अभी केवल जो क्लोजिंग आई वो 0.31% ही घटकर बंद हुआ। दैट मीन्स दोबारा से कहीं ना कहीं फियर फैक्टर वापस आता हुआ दिखा है बाजार में। तो ये विक्स एक डायरेक्ट इंडिकेटर होता है आपके लिए फियर फैक्टर को देखने के लिए। अब अगर बात करूं कुछ एडीआर के बारे में तो इंफोसिस का एडीआर 0.25% ऊपर दिख रहा है, विप्रो का एडीआर भी 1% ऊपर दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई अच्छा मूव रहता आज के सेशन में अगर होता ट्रेडिंग सेशन तो। बट आज नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आज भी यूएस में अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा तो कल डेफिनेटली आपको आईटी स्टॉक्स में बाइंग के मौके मिलेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हम मंथली बेसिस पे 5 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, पूरा मंथ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इस सैटरडे संडे मैं आपके लिए अपनी एप्लीकेशन पे 5 शेयर कहीं ना कहीं शेयर कर दूंगा कि आप कहां पे इस अप्रैल मंथ में पोजीशन बना सकते हैं। प्रॉपर जो भी स्टॉप लॉस है, जो भी टारगेट है, आपके साथ शेयर करूंगा। मंथली बेसिस पे कॉल होंगी और जो पिछले महीने की 6 कॉल थी उसकी अपडेट दूंगा आप सभी को। तो जिसने भी अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड ये जो 5 शेयर्स हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो 5 स्टॉक्स रिकमेंडेशन वाले कोर्स परचेज कर लेते हैं ना वो मत करना आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। एक चीज और, फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट वाले में मैंने आपके साथ एक एक्स्ट्रा वीडियो शेयर करी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने अभी तक फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट का कोर्स इनरोल नहीं कराया तो वो जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड जिसने कर रखा है वो 6th वीडियो जरूर देखे जो मैंने इसी वीक पोस्ट करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 5 तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखी हुई है। तो मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक्स में बढ़िया मूव है। अगर आईटी की पर्टिकुलरली बात करें पोर्टफोलियो के हिसाब से, एक शेयर है जो काफी बढ़िया लगता है, इसका नाम है OFSS Oracle Finance Services Software Limited। इस शेयर में अभी तो 32 के लेवल्स आ गए हैं, मैंने आपके साथ 3000 के लेवल्स पे शेयर करा था। 15.53 के पीई पे अभी भी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहा है। इस स्टॉक के लाइफ टाइम हाई जो है वो 5000 के समथिंग के है। इस कंपनी की 6% की डिविडेंड यील्ड है जो कि आपको और ज्यादा कंफर्ट देती है।
इस कंपनी के बारे में बात करूं तो 208 का अर्निंग पर शेयर है, केवल 15 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 20 पे भी आगे तो 4000 रुपए का भाव हो जाएगा इसका, तो काफी अच्छा स्टॉक है। एक और जो मैंने आपके साथ शेयर करा था न्यूजेन टेक्नोलॉजी 330 पे 450-500 के टारगेट्स के लिए ऑलमोस्ट 470 तक आया, अभी सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है ये आपके लिए दोबारा मौके देने की तैयारी कर रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है क्योंकि कोई नीचे के लेवल्स नहीं दिखा रहा। आईडी वीक भी होता है, ये वीक नहीं हो रहा है, तो स्टॉक में कहीं ना कहीं 430-425 के एसएल से इसमें भी प्रॉपर एसएल से जो पोजीशन ले सकते हैं वो ले, दोबारा आपके लिए 480-500-550 के टारगेट्स बन सकते हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी कोई महंगा नहीं हुआ, 20 के पीई पे ही आया, तब ये भी 15 पे ही था, अभी 20 पे ही आया है। ऑलमोस्ट अगर 25-28 के पीई पे आ गया तो डेफिनेटली बढ़िया मुनाफा बनेगा आपका। 22 का अर्निंग पर शेयर है, अगर आपका नॉर्मली 30 के पीई तक गया स्टॉक तो 600 रुपए का भाव हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक और पिक है। बाकी जो रेगुलर स्टॉक्स होते हैं लोगों के ट्रेडिंग आइडियाज के हिसाब से, TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech और Tech Mahindra, इनमें कल आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अगर आज आईटी नैस्डेक इंडेक्स में अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो लेट्स सी आती है नहीं आती है, मैं आपके साथ लेट नाइट डिस्कस कर ही दूंगा ये सारी चीजें। होप आपको वीडियो ये जानकारी समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।